सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संडे मसाला के ग्रुप बहुत ही फ्रेश कमाल शानदार जबरदस्त धमाकेदार मसालेदार बहुत ही कमाल के एपिसोड में। और यहाँ पे देने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे के ऊपर लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। यार देखो, सवाल बहुत सारे हैं, मिलेंगे बहुत ही कमाल के जवाब, तो इसमें जिनसे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम शुरुआत कर चुके हैं, मैच भी चल रहा है फिलहाल है, न्यूजीलैंड के रन 70 पे 2 विकेट 12 ओवर में। यार इंडिया, आई मीन हम नो बेहतर की उम्मीद किए थे अफगानिस्तान से, लेकिन क्या बोले यार फिलहाल जो उसको मैच चल रहा है। बट एनीवेज यहाँ पे अगर हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आप की इसको लाइक और शेयर। और यहाँ पे तो उसमें पंडालों सवाल एक के बाद एक। तो पहला सवाल पूछा है शिवम सोनी ने, ये बोलते हैं कि नमस्कार गुरु जी कैसे हुआ, बाय द वे S22 अल्ट्रा में लीग्ड पिक्स में डेडिकेटेड एसपेन स्लॉट दिख रहा है, सो कैन वी कंक्लूड दैट द नोट सीरीज इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड। बाय द वे जियो फ्यूचर में और फोन लॉन्च करेगा क्या, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम MP। लव यू टू ब्रो। जहाँ तक बात है S22 अल्ट्रा की, देखो उसके अंदर डेफिनेटली आने वाला है और ऐसे में नोट सीरीज जो है वो डिसकंटिन्यू आप मान ही लो, बिकॉज लास्ट ईयर कोई नोट आया नहीं है। अब सैमसंग यहाँ पे एस सीरीज को एक तरीके से नोट सीरीज वाले फीचर्स साथ में लैस कर देगा और जो बाकी दूसरा है ऑप्शन वो रहेगा फोल्ड और फ्लिप स्मार्टफोन्स का। तो ये है फिलहाल सीन सैमसंग का। और जहां तक बात है जियो की, फ्यूचर में डेफिनेटली यार फोन्स तो लॉन्च करेगा ही जियो, ऐसे नहीं कि बिना फोन लॉन्च किए जो है बस अब 3 फोन लॉन्च किए अब कुछ नहीं होगा, लेकिन लगता है कि और एग्रेसिव होना पड़ेगा बिकॉज जियो फोन नेक्स्ट में ना वो एग्रेशन जो है कहीं ना कहीं मेरे को शायद मिसिंग लग रहा है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे शुभांकर ने, बोलते हैं गौरव भैया प्लीज दुबई एक्सपो का एक व्लॉग बनाओ, क्या फ्यूचर में मिड रेंज फोन्स में वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगा, आप फ्यूचर में मीटअप कब करोगे, आपसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, लव यू। शुभांकर आप तो मैं आपसे मिला हूँ कोलकाता में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। और ज़रूर यार मीटअप वगैरह भी होगा, थोड़ा सा जो है वो और बेहतर हालात बने तो ज़रूर हम मीटअप करेंगे। जहाँ तक बात है वायरलेस चार्जिंग मिड रेंज फोन्स में बिल्कुल मिल सकता है यार, इतना कुछ ऐसा बिग डील नहीं है, कुछ बहुत मेजर कॉस्ट नहीं आती है उसके अंदर, बहुत बस सिर्फ एक ऐसा फ्लैगशिप को ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्रांड्स ने खुद ही उस फीचर को ऐसे एक्सक्लूसिव रखा हुआ है, अदरवाइज वेरी इजी नो टू पुट वायरलेस चार्जिंग इन मिड रेंज फोन्स। जहाँ तक बात है दुबई एक्सपो व्लॉग का, तो बिल्कुल आपके लिए आएगा, जरूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, इंतजार करो, देखो बहुत जल्दी आने वाला है। अगला सवाल पूछा है विकास ने, बोलते हैं कि व्हाई इंडियंस आर प्रेफरिंग टू स्पेक्स ऑफरिंग ऑफ अदर ब्रांड्स इंस्टेड ऑफ स्टॉक एंड एक्सपीरियंस ऑफर्ड बाय मोटोरोला। ऐसा नहीं है विकास, मोटोरोला जो है वो काफी अभी हिट हुआ है और काफी पॉपुलर भी है अभी इंडियन मार्केट में, जब से जो है वो उसने अपना एक तरीके से नया पूरा कमबैक किया है, यू नो काफी अच्छे ऑफर्स वगैरह के साथ में, काफी अच्छी प्राइसिंग के साथ में। बट हाँ, स्टिल एक आम इंडियन जो है वो कहीं ना कहीं हम जो है वो जाते हैं पीछे स्पेसिफिकेशन को देखते हुए, हम भूल जाते हैं कि यार सॉफ्टवेयर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है आपके फोन के लिए, जहां पे आप उससे डेली इंटरेक्ट करते हैं। और फिर हम बात करें अगर एड यूआई वगैरह की, तो कोई मजा आता नहीं है फिलहाल के लिए, खैर। लेकिन मोटोरोला जो है डेफिनेटली काम अच्छा कर रहा है और लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, हाँ नंबर थोड़ा कम है, धीरे धीरे बढ़ने वाला है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे करुणा सागर ने, बोलते हैं गुरुजी आप अभी तक आप सबसे ज्यादा खर्च कब किए थे और क्या चीज के लिए, लव यू गुरुजी। करुणा भाई खर्चा तो क्या बताएं यार, रोजाना ही होता रहता है, कभी किसी चीज के लिए कभी किसी चीज के लिए, और ऐसे में कभी यू नो ऑनेस्टली याद भी नहीं कर पाऊंगा कि सबसे ज्यादा खर्चा कब हुआ था कैसे हुआ था। बट हाँ, जो लाइफ का मेरा फंडा है वो ये कि डोंट फोकस ऑन योर एक्सपेंसेस रेदर देन फोकस ऑन योर अर्निंग्स। तो कई बार जो है वो हम खर्चे कम करने के चक्कर में अपना पूरी एनर्जी वहाँ पे फोकस कर देते हैं और हमारी अर्निंग्स जो है उनको हम बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते हैं। बट मैं यहाँ पे उल्टा चलता हूँ, मैं यहाँ पे अर्निंग्स बढ़ाने के बारे में सोचता हूँ। खर्चा है कभी ज़्यादा भी हो गया कम भी हो गया, दैट इज मैनेजेबल एज लॉन्ग एज यू अर्न इनफ। तो मेरा थोड़ा सा फंडा वैसे चलता है। बट एनीवेज अगला सवाल है यहाँ पे विवेक गोस्वामी का, बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक विल एप्पल एवर लॉन्च आईफोन विद टाइप सी पोर्ट और दे विल डायरेक्टली गो पोर्टलेस थिंग, और भाई दिवाली के ब्लॉग का क्या सीन है। विवेक भाई आई एम रियली सॉरी ब्रो, दिवाली का ब्लॉग तो मैं नहीं शूट कर पाया, थोड़ा सा जो है वो पंगा है। बट आपके लिए ब्लॉग्स बहुत सारे बहुत 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 कमाल वाले आने वाले हैं, काफी तो शूट किए पड़े हैं, बस एडिट करके अपलोड करना है, काफी सारे और अभी पाइपलाइन में है, मतलब सॉलिड 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 धमाका होने वाला है। जहां तक बात है आईफोन की, तो नहीं भाई नहीं 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 टाइप सी पोर्टल आईफोन हमको देखने को नहीं मिलेगा जहां तक लगता है, अभी जो चल रहा है वो लाइटिंग चलता रहेगा और इवेंचुअली आगे चल के पोर्टलेस आईफोन हो जाएगा, और हाँ बस यही होने वाला है। अगला सवाल पूछे यहाँ पे सितांशु ने, बोलते हैं गौरव सर हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, माय क्वेश्चन इज व्हेन कैन वी सी Asus 8Z एंड Google Pixel 6 सीरीज इन इंडिया, ऑल्सो व्हेन कैन वी सी OnePlus 9RT इन इंडिया, प्लीज रिप्लाई, लव यू सर। भाई OnePlus 9RT का तो आपको मिल जाएगा वीडियो
कटसी। और जहां तक बात है गूगल पिक्सल 6 इंडिया में नहीं आने वाला है, और एसुस 8Z पता नहीं कब आने वाला है। क्या ही बताएं यार, ऑनेस्टली यही बात है। एसुस के बारे में कोई अपडेट नहीं है, गूगल के बारे में पता है कि नहीं आएगा, और 9RT जल्दी आएगा, इधर ही आएगा, आपके लिए आएगा। अगला सवाल पूछा यहाँ पे प्रकाश ने, बोलते माय क्वेश्चन इज कि दुबई ट्रिप वाला ब्लॉग कब देखने को मिलेगा विद सब्सक्राइबर, एंड प्लीज पिक माय क्वेश्चन। दुबई ट्रिप विद सब्सक्राइबर, कौन सा वाला भाई, कौन सा सब्सक्राइबर का कौन सा ट्रिप हुआ? बट हाँ, आपके मेरे को सवाल से एक आइडिया मिल गया है। वैसे क्या आप दोस्तों चाहते हैं कि ऐसा कुछ एक हो कॉन्टेस्ट, या ऐसा कुछ सुनो हम कोशिश करें जहाँ पे आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को जो है वो मैं दुबई इन्वाइट करता हूँ, और हम साथ में घूमते हैं, हम साथ में दुबई एक्सप्लोर करते हैं, और अगर ऐसा कुछ मैं प्लान कर पाऊंगा तो मज़ा तो बहुत आएगा यार। वैसे थोड़ा सा मैनेज करने का सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इमेजिन कि अगर ऐसा कुछ मैं करूँ प्लान कि मेरे साथ में दिल्ली से दुबई हम ट्रैवल करते हैं, एमिरेट्स फर्स्ट क्लास में हो गया है, दुबई में घूम लिए हैं, कुछ कुछ साथ में एक्सप्लोर किया है, प्लान कर सकते हैं। अभी तो अभी का भी नहीं, बट हाँ इवेंचुअली समटाइम फ्यूचर में बहुत बहुत जल्दी ऐसा कुछ होगा। आपके मन की बातें क्या है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला सवाल है यहाँ पे मोनू गोयत का, बोलते हैं कि गुरुजी क्या आप हमारी कमेंट्स शेयर्स वगैरह देखते हो, लव यू गुरुजी। यार मोनू बिल्कुल यार, आप जो है वो मेरे को पता है ट्विटर पर आप भयंकर एक्टिव हो, आप कितने रिट्वीट्स करते हो, कितने रिप्लाइज करते हो, सब कुछ मेरे को पता रहता है भाई। आपके नाम पता है मेरे को, आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स पता है, आपके यू नो यूजर हैंडल्स जो है वो पता है। तो आप जो भी अपना फीडबैक देते हैं, फिर चाहे वो यूट्यूब में कमेंट करके हो या फिर आपके बाकी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करते रहते हैं, मेरी नज़र बिल्कुल बनी रहती है, उनको पता होता है कि हाँ क्या 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 चल रहा है। और आप तो डेफिनेटली बोलता हूँ कि ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव हो। अगला सवाल है यहाँ पे सार्थक का, ये बोलते हैं कि व्हाट शुड वी सी व्हाइल बाइंग अ केबल, इज मीवी केबल गुड, प्लीज बता दो गुरुजी। यार देखो बात ऐसी है, केबल के लिए ना सबसे पहली बात तो आपको ये कि वो उसका सर्टिफिकेशन या रेटिंग देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नॉट वांट कि आप जो है वो एक गलत यू नो टाइप की केबल उठा लें। दूसरी बात ये कि वो किस मटेरियल की बनी है वो देख लो, जो नो उसके ऊपर ब्रेडेड वगैरह है कि नहीं है केबल, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेबिलिटी के लिए काफी सही रहता है। उसके अलावा क्या वो एक सर्टिफाइड केबल है, क्या अगर आप ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एप्पल वगैरह के लिए तो क्या वो MFI सर्टिफाइड है क्या, तो ये अगर आप चीज़ देखोगे। और फिर जो रेपुटेड ब्रांड्स है पता ही, बात है मीवी केबल्स की, मैंने पर्सनली ट्राई तो नहीं किया है, लेकिन जितना मैं जानता हूं मीवी की रेपुटेशन के हिसाब से डेफिनेटली केबल्स जो है यू नो मस्ट बी गुड। और इसके अलावा आप एंकर की ट्राई कर सकते हो, अमेजोन बेसिक्स की ट्राई कर सकते हो, और एक नोमैड करके, नो नोमैड ये क्या, नहीं नेव यूनियन, नेव यूनियन की बहुत अच्छी केबल्स आती हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो। या दीज आर फ्यू ऑफ द ब्रांड्स दैट यू नो आई वुड रिकमेंड यू। अगला सवाल है यहाँ पे सुपर सुप्रजीत का, बोलते हैं व्लॉगिंग के लिए आईफोन 12 128 GB लेने वाला था, फैमिली परमिशन नहीं दिया, और मैं बिना उनकी परमिशन के कुछ नहीं लेता हूँ, 30K के अंडर लेने का दिए हैं परमिशन, क्या OnePlus Nord 2 लेना सही रहेगा, प्लीज सजेस्ट मी हेल्प भैया, आपका छोटा भाई को कुछ हेल्प कर दो। बहुत अच्छा आपने सवाल लिखा है सुरजीत, कि आपकी फैमिली ने आपको परमिशन नहीं दिया, और डेफिनेटली जो है वो आप अभी 30,000 के अंदर अपना एक फ़ोन देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा फैसला है आपका, बिकॉज फैमिलीज जो हैं वो आपको अगर कुछ गाइड करती है तो हमको यू नो उनकी बातों को सुनना चाहिए। जहाँ तक बात है खैर आपके लिए OnePlus Nord 2 की, तो बोलता हूँ थोड़ा रुक जाओ, इतना सा रुक जाओ, सरप्राइज कुछ नया आ सकता है, बिकॉज OnePlus ने टीज करते थे कि पैकमैन वाला कुछ नया आ सकता है, तो Nord 2 पैकमैन के लिए आप वेट कर सकते हो, और एक दो हफ्ते की बात है मेरे ख्याल से, तो थोड़ा सा एक बार सबर करो, क्या पता आपको कुछ और बेहतर मिल जाए। अगला सवाल यहाँ पे निखिल का, बोलते हैं कि भैया काफी लोग ऐसा करते हैं कि फोन 60% पे चार्ज पे लगा देते हैं, थोड़ी देर को खाली है तो चार्ज पे लगा दिया लाइक 15 मिनट्स एक्सेट्रा, तो ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या, बैटरी लाइफ कम तो नहीं हो जाती? नहीं निखिल, दिस इज द बेस्ट यू नो वे टू काइंड ऑफ चार्ज योर फोन, कि जब मन किया हाँ ठीक है 40% पे आया लगा दो 10 मिनट चार्ज में, 50 तक पहुंच गया, फिर यूज कर लिया 30 तक, फिर चार्ज करके 70 तक पहुंच गया। तो मतलब ये जो रैंडम होता है ना चार्जिंग का पूरा पैटर्न, ये मैं भी फॉलो करता हूँ, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर बैटरी। मेरा आईफोन मैं ऑलमोस्ट 1 साल से यूज कर रहा हूँ, और बैटरी हेल्थ अभी भी 100% पे है बिना टेंशन के, तो मतलब दिस इज माई पैटर्न एंड आई वुड रिकमेंड द सेम। अगला सवाल है यहाँ पे कौशिक का, बोलते हैं गुरुजी काफी दिनों से मेरा सवाल नहीं पिक हो रहा है, प्लीज इस बार सवाल पिक कर लेना, कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि क्या टीजी फैमिली को सोनी एक्सपीरिया प्रो आई का अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगा? जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा यार कौशिक, आप बताओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर आपके लिए वीडियो आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, और मैं भी पर्सनली यू नो व्लॉगिंग वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैमरा से काफी ज्यादा जो है वो भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी खैर सोनी क्या डिलीवर कर पाता है इसी फोन के साथ में। अगला सवाल है यहाँ पे प्रकुल का, बोलते हैं हेलो गुरु जी कैसे हो आप, मैं याद हूँ आपको, ये भूल गया, बिल्कुल याद हो प्रकुल, आप बिल्कुल बिल्कुल याद हो। ये बोलते हैं कि जब आपने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो आप कैमरा से शूट करते थे या फिर फोन से, और कैमरा था तो कौन सा या फिर फोन था तो कौन सा?
भाई मैं फोन के कैमरा से शूट करता था। ऑफ कोर्स कैमरा तो था ही कोई ना कोई, बट वो एक स्मार्टफोन था और वो उस टाइम पे था सैमसंग गैलेक्सी नोट 5। और मैंने अपनी फर्स्ट 100 से ऊपर वीडियोस जो है वो नोट 5 से बनाई है। अगला सवाल है यहाँ पे नूर का, बोलते हैं हेलो सर, विल मोटरोला नोकिया लॉन्च मोर बजट सेगमेंट डिवाइसेस लेस देन 12K इन इंडिया इन द अपकमिंग मंथ्स? विल मोटो G31 एंड G51 लॉन्च इन इंडिया? यार मोटरोला डेफिनेटली इंडिया में आपको और बहुत बहुत सारे फोन्स ला के देगा। नोकिया जो है वो आपको अंडर 12 में कुछ अच्छी वैल्यू नहीं दे पाएगा, तो वो आपका फोन इतना बेहतरीन मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन हाँ, मोटरोला जो है वो आपको बजट के अंदर भी अच्छी वैल्यू देगा, तो एक बार बस थोड़ा सा और सब्र करो। फिलहाल के जो काम किया वो काफी अच्छा किया है मोटोरोला ने ई सीरीज के साथ में। अभी देखते हैं इवेंचुअली और कैसे वो 12-13 हज़ार की प्राइस रेंज में और नए नए फोन्स को लॉन्च कर पाता है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हमसे लास्ट साहिल श्रीवास्तव ने, बोलते हैं गुरुजी विद स्मार्टफोन ब्रांड एंड एंड्रॉइड साइड डू यू ट्रस्ट द मोस्ट एंड प्लीज कंटिन्यू TG स्मार्टफोन राउंड अप सीरीज, लव यू गुरुजी। साहिल भाई बहुत सारे अभी जो है वो चेंजेस होने वाले हैं, आगे पीछे बहुत सारी बातें होंगी, तो उसके लिए खैर हम कभी फ्यूचर में बात करेंगे। लेकिन जहां तक बात है मोबाइल फोन में एंड्रॉइड में मेरा भरोसा किस पे है मोस्ट, तो बोलूंगा सैमसंग। नंबर टू बोलूंगा गूगल। नंबर थ्री कोई फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। ये है मेरा फीडबैक। मन नहीं मानता यार क्या बोले, मतलब सैमसंग एंड देन गूगल, दैट्स इट। आईफोन तो है खैर। तो खैर बस दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल जिनके दिए मैंने जवाब। फिलहाल मिलता है ये देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।